हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू रिबन एंड स्टडी। हम देखेंगे अबाउट द बीएलएलबी कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इट इज इन मोहाली। क्या उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है, फॉर्म कैसे भरना है, फीस वगैरह क्या रहने वाली है, सीट्स कितनी है एंड अदर डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर फिलिंग द फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आपका हमारा इंस्टीट्यूट है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इट इज ऑफरिंग द 5-year कोर्स इन द लॉ दैट इज बीएलएलबी फॉर द सेशन 2024-25। सो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। So, opening of the portal for the availability of online application cum admission form for the wards of Army, Navy, Air Force personnel and All India General category. So, form filling जो है वो 9 तारीख से start हो रही है and last date for the submission of online application form cum admission form along with the fees of ₹3000 for the Army personnel and All India General category वो है 8 मई तक, means 9 तारीख से form filling start हो रही है 9 अप्रैल से और 8 मई तक आप form fill कर सकते हैं। इसके अलावा विद लेट फीस ऑफ ₹1000 मीन टोटल फॉर्म पड़ेगा ₹4000 का, लेट फीस के साथ आप 13 मई तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। जो एडिट विंडो है वो ओपन होगी 16 से 18 मई के बीच में। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप 30 मई से और जो ऑनलाइन टेस्ट है वो होगा 9 जून को 2024 को 2 से 4 बजे के बीच में। जो ऑनलाइन डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो हो जाएगा 17 तारीख को और जो काउंसिलिंग की डिटेल्स है वो आएंगी बाद में। इंस्टीट्यूट में काफी सारी स्कॉलरशिप भी मिलेंगी देखने को आपको। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप है टाटा मेरिट स्कॉलरशिप जिसमें कैश प्राइस मिलता है ₹20,000 का and ₹50,000 awarded to the wards of army personnel for standing first and second in the first 4 years of the course. Means first वाले को मिलेंगे 20,000 and second को मिलेंगे 15,000। इसके अलावा बहुत सारे sponsored scholarship भी मिल जाएंगे, जैसे अभिमन्यु scholarship है, eligibility condition उसकी देख सकते हैं आप क्या क्या रहने वाली है उसकी eligibility condition। इसके अलावा next है अंगद सिंह ढींसा scholarship, इसकी जो eligibility condition है वो देख सकते हैं आप, same पहले जैसे ही है almost। इसके अलावा सरिन बेस्ट मोटर स्कॉलरशिप अवार्ड, स्कॉलरशिप बाय द हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, एलुमनाई स्कॉलरशिप, ये बहुत सारी जो स्कॉलरशिप मिल जाने वाली हैं। डिटेल आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कैसे कैसे रहने वाली डिटेल्स। इसके अलावा जोहर स्कॉलरशिप, दानवीर सोपती स्कॉलरशिप, मोनिसा महाजन स्कॉलरशिप, ये सारी जो स्कॉलरशिप मिल जाने वाली हैं। कुछ इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप भी हो जाएंगी यहाँ पर, द वेस्टर्न कमांड चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द आर्मी पर्सनल, काफी सारी जो स्कॉलरशिप है वो इंस्टीट्यूट मिल जाने वाली है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स के बारे में फॉर द बीएलएलबी कोर्स। टोटल सीट रहने वाली है 100 और सीट्स का ब्रेकअप कैसे है वो देखते हैं। सो वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स कैसे रहने वाला है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो टोटल 75 सीट्स हैं फॉर द आर्मी पर्सनल और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इंडियन आर्मी के लिए 71 सीट्स हैं एंड फॉर द वार्ड्स ऑफ द इंडियन नेवी 1 सीट, फॉर द वार्ड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स 3 सीट्स हैं। पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी उनके लिए 20 सीट्स हैं और जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 सीट हैं। तो इस तरह से रहने वाला है सीट का ब्रेकअप, मीन्स बेसिकली इसमें जो सीट्स होने वाली हैं दे आर फॉर द वार्ड्स ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल 75 सीट्स हैं। इसके अलावा जो पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए 20 सीटें हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी उनके लिए 5 सीटें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो आपने 10+2 पास किया हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। अब देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो एडमिशन टू द 71 सीट्स ऑफ द वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल, 1 सीट्स ऑफ द इंडियन नेवी एंड 3 सीट फॉर द इंडियन एयरफोर्स पर्सनल, 5 सीट्स फॉर द ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी विल बी डन ऑन द बेस ऑफ द ऑनलाइन लॉ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एट द डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर्स। इसके अलावा एडमिशन टू द 20 सीट्स ऑफ पंजाब रेजिडेंट सिविल कैटेगरी बेस्ड ऑन द 10+2 मेरिट, मीन्स जो 71 सीट्स है आर्मी पर्सनल्स के लिए वो टोटल, इसके अलावा जो 5 सीट है ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए उसमें एडमिशन लेने के लिए देना पड़ेगा आपको एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा जो पंजाब के लिए 20 सीटें हैं उनमें जो एडमिशन होगा इट इज ऑन द बेस ऑफ क्लास 12th मार्क्स, उसके बेस पे यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। द एलिजिबिलिटी इन दिस कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, सो ये उन्हीं को मिलेगा जिनका डोमिसाइल जो है वो पंजाब स्टेट का है। फॉर्म कैसे भरना है, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है एंड जो वेबसाइट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग के लिए वो रहने वाली है www.ail.ac.in, इस साइट पे जाके जो फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें पूछा क्या क्या जाएगा, सो मेंटल एबिलिटी, जीके, करंट अफेयर्स, लॉ एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, इन सभी से होने वाले 50-50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे 200 और 200 ही मार्क्स का होगा पेपर। द पेपर शैल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ 10+2 लेवल, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग एंड द मिनिमम पास परसेंटेज 25% इन एंट्रेंस टेस्ट, सो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एटलीस्ट आपके एंट्रेंस में 25% मार्क्स से ऊपर तो होने ही चाहिए। जो मीडियम रहने वाला है पेपर का वो रहने वाला है इंग्लिश, ये देख सकते हैं आप टेस्ट सेंटर की लिस्ट। सो इंडिया में हर स्टेट में मिल जाएंगे आपको टेस्ट सेंटर, क्योंकि नेशनल लेवल का होने वाला है एंट्रेंस, तो उस केस में हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड अलोंग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको। सो 10th क्लास का सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, 12th क्लास का सर्टिफिकेट मीन्स जो मार्कशीट है वो,
इसके अलावा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, उसका सर्टिफिकेट, कोई गैलेंट्री अवार्ड है उसका सर्टिफिकेट, गैप ईयर है अगर कोई तो उसका एफिडेविट। इसके अलावा एडमिशन के टाइम पे ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं जो चाहिए होते हैं जनरली, वो सारे सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की फॉर द बीएलएलबी कोर्स। सो ये ब्रेकअप दे रखा है फीस का, कैसे कैसे होने वाला है, हम देखते हैं टोटल कितने चार्जेस हैं। यहां पर दे रखा है हॉस्टल फीस का ब्रेकअप कैसे कैसे है। सो हम आते हैं टोटल चार्जेस पे। सो जो ग्रैंड टोटल पहुंचता है वो पहुंचता है 3,618 रुपीज फॉर द आर्मी पर्सनल और 3,52,492 रुपीज फॉर द सिविल कैटेगरी। सो फीस यहां पर काफी ज्यादा लगने वाली है पर ईयर की। जो फीस है वो फर्स्ट ईयर में आपको एक साथ पे करनी है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें दो इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। सो जो मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है, क्या रहने वाला है, एंटायर फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द बीएलएलबी कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। बेसिकली ये कोर्स होने वाला है आर्मी पर्सनल के वार्ड्स के लिए, और जो जनरल कैटेगरी है ऑल इंडिया से उसमें सिर्फ 5 सीटें हैं, और अगर जो पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हुए स्टूडेंट हैं वो लेना चाहते हैं इस कोर्स में एडमिशन, सो उनका जो एडमिशन है वो 12th के मार्क्स से बेस पे ही हो जाएगा, उनको एंट्रेंस नहीं देना है, वो लोग इसको फोकस में रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग एडमिशन रिलेटेड वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें द पुलिस रिपोर्टेंट को एंड वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग।